बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यासिर जंजू और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। फरुख शबाज वड़ाइज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम ये जानेंगे कि खुदा न खास्ता अगर रात को इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते, बड़ी सख्त अटैम्प्ट थी, आवाम ने बड़ी रिटेलिएशन शो की, तो आज क्या मंजरनामा होता और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुल्क में क्या भौचाल ला सकती है। फरुख साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते तो मंजरनामा क्या होता? हाँ जी, इसको तो अब जरा इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए कि क्या हो रहा होता। किसान इस्लामाबाद में बैठे हैं और खान साहब जेल में है और वहां से ले जाना इस्लामाबाद पुलिस क्या अकेले ये काम कर लेती या उन्हें किसी फोर्स की, क्योंकि इस्लामाबाद में तो रेंजर्स भी मौजूद होती, किसी की मदद लेना पड़ती, हंगामी हालात क्या होते। लेकिन इस सबको इमेजिन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक अपनी इन्फॉर्मेशन भी है और हालात का एक तजिया करते हुए भी मुझे ये लगता है कि इमरान खान के सियासी हरीफ उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात बड़ा मुख्तलिफ है, लोगों के जज्बात ही हो सकते हैं जो उनके वोटर सपोर्टर्स हों, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हाँ, खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो खेलना वाली तो ड्रामा खैर, वो करना क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को, यानी ये होता है आमतौर पे एक तरीका या चाल या हरबा ये भी होता है कि आप अपने मुखालिफ हरीफ को भगा भगा के मारते हैं। वो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं। मज़े की बात ये है, पीटीआई के शायद लोग ना माने इस बात को, वो तो यही कहते हैं कि हर एक हरबे के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मोमेंटम इमरान खान साहब ने कायम कर लिया है वजारत उज़्मा छोड़ने के बाद, वहां से जाने के बाद, उस मोमेंटम में हर गुजरते दिन के बाद इतनी सी भी अगर नीचे आ रहा है ना, वो नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, चाहे वो इतना सा आ रहा है, बहुत मामूली तब्दीली हो जो शायद देखने वाली आंख ना देखे। ये बड़ा मुनफरिद तजिया दे रहे हैं आप। हाँ, मैं उसकी वजह ये है कि मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं पूछता हूं, मैं लोग किसी और तरह रिएक्ट करते थे, इमरान खान को निकाला है, जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इस तरह बात करते थे। फिर जैसे जैसे बातें आना शुरू हुई ना, चाहे मुखालफिन के इल्जाम ही हो, आपने देखा नवाज शरीफ साहब का जब नाम आया पनामा में तो वो डिफेंसिव हो गए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की थी, अच्छा आप चेक कर लें, हर जगह पे उनको ये सवाल आते थे। इमरान खान साहब जब वजारत उज़्मा से बाहर हुए तो साफियों के पास ये कोई सवाल नहीं था कि इमरान खान साहब आपने क्या किया, ये सवाल नहीं था। सवाल यह था इमरान खान को निकाला गया और इन लोगों ने निकाला किसी की मदद से, ऐसे ही है, ऐसे ही। अब इन इतने महीने गुजरने के बाद अब सवाल क्या है? सर आपने वजीर आज़म बनने के ये किया था, सर आपने घड़ियां दी थी, सर आपने ये तोशा खाना था, फलाना था, सर ये फरा बीबी थी, ये बुशरा बीबी थी, इस तरह की बातें, प्लस उसमें ऐड क्या हो गया, ऑडियो, यानी एक ऑडियो आती है, चाहे हो सके जो भी है, खान साहब तो कहते हैं ये मेरी ही ऑडियो है, ये ऑडियो शहबाज शरीफ की आए तो वो भी डैमेज होंगे, ये इमरान खान भी आए तो वो भी डैमेज होंगे, ये हम लोगों ने बुत बनाए हुए हैं, यानी सपोर्टर्स बुत बनाते हैं, किसी के भी सपोर्टर्स कहते हैं ये हमारे बुत है। नवाज शरीफ साहब का जब पनामा में नाम आया था तो उनके जो लोग दिफा करते थे वो दिफा नहीं कर पाते थे, हमें अंदर वाली महफिलों में बैठ के लोग बताते थे जो इनके रानमा थे कि यार हमें तो खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं। पीटीआई भी उसी उसमें जा रही है, वो लोग जो आंखें बंद करके कहते हैं कि वो खड़ा है, डट के खड़ा है हमारा कप्तान, जब कप्तान डट कर नहीं खड़ा हो रहा, कई चीजों पे झुकना भी पड़ा, कई चीजों पे कम्प्रोमाइज किए, उन पर बात नहीं करता कप्तान, तो ऐसे में आपका जो सपोर्टर है वो शायद उसी तरह खड़ा रहे, आपका वोटर डिफेंसिव होता है, आपका वोटर जरा कंफ्यूज हो जाता है आपके बारे में। तो आपके मुताबिक रात को जो लोगों का इतना बड़ा हजूम बनिगाला पहुंच गया था वो सपोर्टर है, वोटर नहीं है? वो सपोर्टर है, ये वही सपोर्टर है। आज आप कह देंगे हमदा शहबाज की गिरफ्तारी होने लगी है तो इतने सपोर्टर पहुंच जाएंगे इधर भी, इनके घर के बाहर इतने सपोर्टर तो निकाल ही लेंगे ना। हाँ जी, इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी, इमरान खान की आप कुछ भी कहें, मुखालफिन सियासत पाकिस्तान की बड़ी बेरहम है, करेक्टर असैसिनेशन होगी, नई आडियोज आएंगी, नई वीडियोज आएंगी, अदालतों में मामला जाएंगे, कुछ वारंट गिरफ्तारी और निकलेंगे, कहीं पर जमानत होगी, कभी कहीं पे पेशी होगी, कभी कहीं, ये वही मामला है जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वगैरह के साथ हो रहा था, ये एक ही तरह की प्रैक्टिस है, किरदार बदलते रहते हैं, कभी किरदार पे कोई होता है, कभी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे कोई होता है, तो इमरान खान साहब भी यही चीज़ें फेस करने जा रहे हैं,
और उनका जो मुकाबला है, उनके जो सियासी हरीफ हैं वो तजर्बा कार भी हैं, और ये हरबे वो एक दूसरे के साथ करते रहे, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ यही करती रही है ना। और अब FIO को मंजूरी हुई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये साइफर का जो मामला है ये कहाँ गायब हुआ? कल उन्होंने इंटरव्यू में क्या, मुझे नहीं पता इधर ये आता कहाँ गया है। ये जो मामलात हैं ये आपको बाहर इतने इतने लग रहे हैं, जब मिलते हैं तो एक साफ शिफाफ लीडर जिसके ऊपर कोई भी यकीन करता है उसके ऊपर लोग फिर दिफाई पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वरना GC यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि सारी यूथ पढ़ती थी, वहां पर तो क्राउड आपके लाहौर लिबर्टी से या इस्लामाबाद से ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप कश्मीर गए, जलसा हुआ आपका, लेकिन आप मोमेंटम के अतबार से मैं कोई कसम नहीं खा सकता, लेकिन PTI के अपने लोग मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा मोमेंटम हमारा कम होता जा रहा है और लगता है कि हमारे साथ वही खेल खेलने लगे, ये हमें बराबर ला के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। स्कीम भी यही है, नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले इमरान खान की नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी नहीं चाहते, मरीम नवाज साहब की ख्वाहिश हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें कहा है, हम लोगों ने जब पूछा उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह साहब बताते क्यों नहीं आप, तो राणा साहब ने कहा ये अकेले का फैसला नहीं। लेकिन जो इनके अंदर कुछ लोग हैं वो बड़े समझदार हैं, वो समझते हैं कि गिरफ्तारी से इमरान खान के गुनाह भी साफ हो जाएंगे, गिरफ्तार किए बगैर ये सारे मामला करें तो ये हो, और इमरान खान गिरफ्तारी इस मुल्क में जुल्फकार भुट्टो की भी गिरफ्तारी हो गई थी, जुल्फकार भुट्टो के साथ भी हो गया था, नवाज शरीफ को कहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे? नवाज शरीफ साहब जब जा रहे थे यहाँ से, वाकया सुनाता हूँ आपको, तो लोगों ने बताया कि वो आपसे कुछ लीडर मिलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तब कहाँ थे जब मैं गिरफ्तार हो रहा था, और जब उनसे मिले बगैर दूर से उन्होंने हाथ लाया और चले गए। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आने वाले चंद माह में ही जो आज क्राउड पुलर फिगर है इमरान खान, तो इसमें कमी देखने में आएगी, और उसकी वजूहत ये ऑडियोज हो सकती हैं, कुछ केसेस हो सकते हैं, कुछ वीडियोस हो सकती हैं, कुछ वीडियो, अच्छा ये वीडियो खतरनाक वीडियोस, अच्छा खतरनाक, ये आज से पहले तक तो ऑडियो ऑडियो का हम सुनते आ रहे हैं, ये आपकी गुफ्तगू में एक वीडियो का, अब आप इसमें एक मिस कर रहे हैं, मैंने खुद बहुत से साफियों से बातें की हैं, अच्छा कुछ मंजर आम पे भी हैं, अच्छा आरिफ अमीर भट्टी साहब से बात की थी, इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, अभी इमरान खान साहब जब लाहौर आए थे भट्टी साहब इस वक्त TV पर मौजूद नहीं है, किसकी वजह से मौजूद नहीं है ये आप लोगों को पता है, इमरान खान साहब के साथ वो यहाँ से बैठ के एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट से वापस फिर वापिस आए, उन्होंने मुझे खुद बताया और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि इमरान खान की खतरनाक वीडियोज मौजूद है जो किसी वक्त भी सामने आ सकती है, और इमरान खान साहब खुद ये इंडिया दे चुके हैं कि मेरी कुछ वीडियोस हैं ये आपको ऐसा करना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे ना ये लोग जो देख रहे हैं इनको पता चल जाएगा, खान साहब तो अपने मुंह से कह चुके हैं, ये कहाँ है, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है किसी शो में या कहाँ पे, किसी जगह पे खिताब करते हुए कहा है कि ये मेरे खिलाफ बनाएंगे महाज, अच्छा महाज, हाँ ये कहा है उन्होंने कि वीडियोस आएंगी, ये होगा वो होगा, और इमरान खान की पार्टी मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी भी कर चुकी थी कि जैसी कोई वीडियो आएगी उस पर क्या रद्दमल देना है, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने वीडियोज नहीं निकाली पहले, पहले ऑडियोज आना शुरू हो गई, अब ऑडियोज कौन निकाल रहा है अल्लाह जानता है, लेकिन इससे जिसके जो भी एक्सपोज होगा, आपने देखा है इसमें बड़ी बारीक एक लाइन है, सबसे पहले शहबाज शरीफ की आती है, पूरी PTI उसके ऊपर रिएक्शन देती है, और उस ऑडियो में है क्या, यानी शहबाज शरीफ उसमें इनोसेंस उनकी प्रूव हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं करना चाहिए, यानी वो प्लान जो आ चुका है आधा उनकी दामाद का मरीम बीबी के, वो कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं लाना चाहिए, वो PTI के दौर में आ चुका है, और दूसरी तरफ खान साहब की क्या ऑडियो रिलीज हो रही है, जरा बारीक फर्क है इसमें कि हमने इस पे खेलना है, किसी के मुंह से अमरीका का नाम ना निकले, ये अब दो ऑडियोज में डिफरेंस है, ये ऐसे ही है जैसे आप बैठे हैं तो आपने किसी तरीके से आपके कैमरा मैन ने आपका पेट छुपा दिया है और मेरा पेट बड़ा दिखा दिया, इमरान खान गिरफ्तार फिलहाल नहीं हो रहे, हाँ अलबत्ता ये हो कि हालात बदल जाएं, सियासी उसके आप कह लें मसलहत के तहत या कुछ ऐसा हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है हुकूमत की सबसे बड़ी गलती होगी इमरान खान को गिरफ्तार करना, फिलहाल ये टेस्टर लगा के चेक भी कर रहे हैं, पब्लिक पल्स भी चेक करते हैं, पब्लिक पल्स भी चेक करते हैं, शेर आया वो भी बात है, तो किसी दिन हो सकता है ले भी जाए, लेकिन जो अभी तक उनकी आपस में बातचीत होती है उसमें तो कहीं भी ये फैसला नहीं हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करना। आपने व्यू सुने फरुख शहबाज वड़ाइच साहब के, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक बेशुमार खबरें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं और मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ तजियात दी हैं।
फरुख शहबाज वड़ाई साहब के मुताबिक तो ये गिरफ्तारी अमल में आने वाली नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा नहीं दिखते। ऑडियोज़ के मामले पे भी इन्होंने बात की और वीडियोस के मुतलिक भी कुछ इंकशाफात के, ऐसी वीडियोस जो कि इमरान खान साहब ख़ुद अपने जलसों में कह चुके हैं, ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पे आ सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के मंजर आम पे आने से मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो वक्त ही साबित करेगा। मुझे और फरुख शहबाज वड़ाई साहब को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। सर आपका बहुत बहुत जनाब, थैंक यू सो मच।